नमस्कार दोस्तों, आप सभी आरपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि कल शाम को 6/1/2020, ठीक है, आप देख पा रहे हो, आरपीएससी की तरफ से डाला गया है। ये मैंने आरपीएससी के साइट से डाउनलोड किया है। इसमें कहा गया है, जो मोटी मोटी बात वो ये है कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो इन्होंने फॉर्म भरवाए थे तो उन पर 264 पदों के लिए दोबारा से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एक बार पढ़ देता हूँ। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19/2/2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% एवं अधिसूचना दिनांक 13/2/2019 द्वारा एमबीसी को 5% व अधिसूचना 23/1/2019 द्वारा विशेष योग्यजन को 4% आरक्षण दिए जाने के कारण, ये इन्होंने कारण बताया है कि क्यों संस्कृत डिपार्टमेंट के फॉर्म रीफिल करवाए जा रहे हैं। आगे ये बताते हैं कि शिक्षा विभाग के लिए विज्ञप्ति प्राध्यापक विद्यालय के कुल 264 पोस्ट के लिए दिनांक 13/1/2020 से दिनांक 27/1/2020 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपके लिए बिग अपडेट ये है कि 13 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के, जिसमें कि सीट्स इंग्लिश की बहुत कम है। ठीक है, और आपको अगर ये फॉर्म फिल करना है तो उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग की जो ऑनलाइन पोर्टल है rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी विभाग से प्राप्त संशोधित वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य सूचना के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 20/2019-20 का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे रेणु जयपाल सचिव जो हैं आरपीएससी के, उनके सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। तो ये आपके लिए एक बिग न्यूज़ थी जो कि मैंने देना उपयुक्त समझा। तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।